बिल्कुल ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग आज हम सुनने वाले हैं यंग गालिब का गाना जिसका नाम है बीस्ट मोड, और बैक टू बैक गाने आ रहे हैं ब्रो। प्रोड्यूस किया गया हुआ है रीफिक्स की तरफ से, और मैंने रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया यार, ये रिकॉर्डर ऑन हो जाए। तो और सुनो भाई, सब ठीक ठाक है? ईद होपफुली तुम लोगों की अच्छी गुजरी होगी। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि यंग गालिब क्या लेकर आया इस बार हमारे पास। और बाबा जी टूटा तेरा पूरा परिवार क्यों? क्योंकि वहाँ प्यार नहीं बचा, सेल्फ मेड सब खुद के दम पे, इन्हें लगता कि हमें कारोबार नहीं पता। कलम से मैं कार ले गया, मेरी जीत देख तेरे लिए हार ले गया। सो बेसिकली जो पीछे प्ले ये वो यंग गालिब कह रहा हूँ उसका एयरप्लेन मोड का जवाब दे। अबे यार बस देखो, उन्होंने धोखा दिया, चोट डाला या छोड़ डाला, वो लोगों ने एमबीबी का वो बना के हमें दोगलापन किया हमारे साथ। इंसाफ चाहिए हमें, वीडियो को लाइक भाई। अच्छा ये उसमें तो मेरे मेरे वो ओके एयरप्लेन मोड ओके ओके भाई ओके। तो हाँ मैं भूल गया था, टूटा तेरा पूरा परिवार क्यों? क्योंकि वहाँ प्यार नहीं बचा, सेल्फ मेड सब खुद के दम पे, इन्हें लगता कि हमें कारोबार नहीं पता। कलम से मैं कार ले गया, मेरी जीत देख तेरे लिए हार ले गया। सुना बहुत गम तेरी लाइफ में, तो इस बार तेरे लिए बार ले गया। जरा था मैं विस्तारा पे, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे, तूने खुद पहले जी पे किया तो फिर री पे किया तेरा उद्धार में। खजूर आया और कलम से कार लेकर आया। अरे ब्रो लाइक सीरियसली वो बार्स लेके, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे, तूने खुद पहले जी पे किया तो फिर री पे किया तेरा उद्धार में। तुझे लगे मेरी औकात नहीं, मैं भार तेरी औकात से, सुना मैंने तेरी टीम नहीं साथ में, तो गाली के सिखाएगा तो मिल बांट के। कर्मा को ये भारी पड़ेगा आई थिंक यार। ये केंड्रिक लमार नहीं, केंड्रिक बीमार है, 35 से डील और 40 पगार है, 34 के अंकल को दिए सुधार है, 36 तू लेगा तो 32 ही भार है। लेकिन वो केंड्रिक अपने आप को कहता है मेरे ख्याल से उसको गरीबों का ड्रेक कहते हैं, उसने खुद भी बोला होगा किसी गाने के अंदर। खैर केंड्रिक भी बोलते हैं, सुन मेरे को नहीं पता सबसे बड़ा आर्टिस्ट है व्यूअरशिप के हिसाब से भी, और लिरिक्सिज्म और यू नो लाइक बहुत खींचता है अपनी तरफ, ठीक है ना। तो मुझे पसंद है, तुम लोगों को पता है यंग गालिब मेरे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट की लिस्ट में आता है मेरी। तो हाँ अभी तो ज्यादा वफादार है हजलम गेले, एक वफादार क्या पीछे ये सारे कुत्ता नहीं कुत्ते के नाम पे कलम के कुत्ता भी तुझसे ज्यादा वफादार है हजलम गेले गेले अगेरो में जिएले तब देखेले लाइफ में इसलिए तो रियल है अगली से बिल्डिंग अल्लाह में डीलिंग खुदा है साथ में तो किसी का फियर नहीं हसलम गेले अगेरो में जिएले तब देखेले लाइफ में इसलिए तो रियल है अगली से बिल्डिंग अब लाखों में डीलिंग खुदा है साथ में तो किसी का फियर नहीं। तुम्हें को नहीं अच्छे से जानता, मैं शांत था क्योंकि रमजान था, एक दिन मैं देता रिप्लाई पर वेट कर रहा था मैं ईद के चांद का, मैं दिखता नहीं। अच्छा सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ, अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है ना इसका मतलब, हालांकि मुझे इस चीज़ से लेना देना नहीं है लेकिन पता होना चाहिए इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो रमजान का इंतजार करता मैं तो इसमें ले लेता। हार जीत मुझसे भिड़ेगा बनेगी चार्जशीट, 2GOAT की लाश ब्रीड, तो इस साल होगी मेरी लास्ट ईद ये भैया। बनेगी चार्जशीट 2GOAT की लाश फ्री, तो इस साल होगी मेरी लास्ट ईद ये भैया के घर में हम लोगों के दिल में, पुसी जब आएगी घुसेगा बिल में, लेबल क्यों छोड़ा जब लाखों के डील्स थे, लेबल को ट्रस्ट नहीं था स्किल्स पे, पहले भी लिया था मैं तेरी ड्रिल पे, ये वो बिल गेट्स जो करते नहीं बिल पे, धर्म का फल ये खाना तो छिल के, हुड में जब आएगा जाना तो मिल के। मुझे मैं बीच में जो लाइन रोकी थी मुझे भूल गई थी, तो मैं आगे खैर उस पे फिर मुझे आ गया। तो कर्मा ने बोला था कि मैं लाखों को मार रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, मैं 36 का चक्कर आ खैर वो बीट मजे की थी।
एनीवेज तो वो कह रहा था उनको मार भी रहा है, हम गली से या स्ट्रीट से हम बिल्डिंग पे और हम छाप रहे हैं पैसा, हम लोग निकाल रहे हैं पैसा, हम लेबल पे आए हुए हैं तो हम काम कर रहे हैं, हमारा निकल रहा है। और तू इसलिए निकला है कि तेरी नो बडी केयर्स, ठीक है ना, वो मीम है ना, वो वाला सीन है। काफी ये बात मैं मानता हिसाब था बाकी बना बाकी हान मां मैं लूंगा मुफ्त तो कापेगी आत्मा लादी ने तू तो बना मैं ओबामा ने मैं करते सीधा करते नहीं ये लाइन से बोली थी ओके सो लादी ने तू तो मैं हूं ये गैस रोते नहीं है क्योंकि लाइफ है बहुत ही ब्लेस्ड, जानती जनता यहाँ पे कौन है ज्यादा बेस्ट, उंगली करेगा दूंगा 1000 इयर्स ऑफ डेथ, ट्रिगर तो किया तो दूंगा एंजाइटी, लिखर नहीं पीता मैं मेरे में जायज नहीं, तेरे इलाके में मेरे भी भाई जी पड़ेगी, उधर आवाज इधर आएगी, गानों में ड्रामा करे है दम अगर सामना करे, खुदा तुझे कामयाब करे, आए बीफ का ख्याल तो ये नाम याद रहे मेरा। एयरप्लेन मोड से हटा दे फोन, गाना आ गया मेरा। This out, bitch. कर्मा, तेरे को डिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक तो बात की है और सेकंडली ये है कि उसने एक तरह से चैलेंज भी तेरे को कर दिया कि एक दिन में मैं गाना लिख सकता है। क्या यंग गाली बाकी में एक दिन में गाना लिख सकता है? टू बी ऑनेस्ट, सारे रैपर जितने भी हैं मेरे ख्याल से एक दिन में गाना लिख सकते हैं। मैंने कई ऐसे देखे जो 3-3 गाने में, बहन के जो गाना आया था चैन के ऊपर तरह यूनस का, उसमें लिखा 3 घंटे में लिखा था। खैर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, बड़ी चीज़ ये होगी क्या वो 1-2 घंटे या एक दिन के अंदर लिखा हुआ गाना इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि बाद में उसको व्यूअरशिप अच्छी मिले, फैक्ट्स फिगर्स पे बात हो और बार्स मिले। मैं एक चीज़ बोलूँगा इस गाने के अंदर, वो ये थी कि ये गाना जल्दी ख़त्म हो गया। 110% तुम लोगों को भी महसूस हुआ होगा, मैं अभी बूस्ट अप हो रहा था, बट आई थिंक ये एक जंग का लान कुछ सारे नहीं बचता तो ये वो वाला था। और बड़ा अजीब सा काम हुआ यार, जहाँ पे 20 मिनट लिखा हुआ वो इन लोगों ने नाम बड़े अजीब से रखे हैं, चोट डाला और ये एकदम ऊपर नीचे हुआ सीन। लेकिन यंग गालिब आएगा और यंग गालिब नहीं रुकेगा और बंटा की लेवल नहीं रुकेगी। सो बेसिकली इसके अंदर जो मेन थीम है वो यही है कि हम कमा रहे हैं, तुम्हें निकाल दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और तू बस बातें करता, बातों के जो गए तू और कुछ नहीं है। तो क्या एल्बम कह रहा हूँ, कर्मा गाना निकालेगा ये डिपेंड उस पर करता है, लेकिन उसको जवाब मिलेगा। एमी वे ने खुद ये सोच लिया हुआ है, मैंने देखा है एमी वे अब छोटी सी भी चीज़ उसकी पकड़ के कृष्णा को पेल देता है, क्योंकि अब वो रुकने वाला नहीं है, 2.5-1.5 साल रुका है, अब वो रुकने वाला नहीं है तो उसकी लेवल तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो इसके बीच में मैं एक बात भी कर दूँ, फिलहाल कलमकार का तबका काफ़ी नीचे, क्योंकि कलमकार के बाद इस वक्त सिर्फ कृष्णा जो लेबल चला रहा है। टू बी ऑनेस्ट पता नहीं क्यों रफ्तार क्यों नहीं आता, एनीवेज ये अलग बात हो जाएगी, लेकिन मैं बताने की चाह रहा हूँ कि बंडे की लेवल एक प्रॉपर सेटअप है, एक टीम वर्क है और एक स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं। स्ट्रेटजी से मुराद इस तरह भी हम कह सकते हैं कि एक तो बैक टू बैक गाने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है भाई, बहुत मुश्किल होता है लेवल में, मैंने नहीं देखा कि इतनी तेज़ी से गाने किसी हिंदी उर्दू हिप हॉप देसी हिप हॉप में आ रहे हो, तो ये लोग बैक टू बैक वर्क कर रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा और इम्पैक्ट डाल रहा है और दिल करता और सुनने को इस लेवल को। तो सब्सक्राइबर भी ले रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और नज़र आ रहा है कि पैसा कमा रहे हैं, व्यूवरशिप अच्छी जा रही है उनकी, प्रो मैटर करती हैं ये चीज़ें। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे बिना किसी और भी बोर्ड्स किसी को लगाए हुए, तो और क्या चाहिए। तो हाँ, क्या करवा जवाब देगा तुम लोग बताओ। यस कमांडो।